नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से सीएससी में आप अपना जो वॉलेट है उसको किस प्रकार से टॉप अप कर सकते हैं। तो ये सीएससी का पोर्टल है, देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है सीएससी का। आप जब लॉगिन कर लेते हैं सीएससी को अपना आईडी और पासवर्ड के साथ में, तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस यहाँ मिल जाता है। देख सकते हैं ये सारा आपको जो सर्विस है सीएससी का वो सारा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो कोई भी सर्विस जब आप यूज करते हैं तो इसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अपना वॉलेट में अमाउंट आपको रखना पड़ता है, वॉलेट बैलेंस आपको रखना पड़ता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं किस प्रकार से आप सीएससी में अपना जो वॉलेट है उसको किस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से इसमें मनी को आप ऐड कर सकते हैं, इसको पूरा आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड के साथ में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक मेन्यू ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं डैशबोर्ड है, सर्विसेज, उसके बाद जो है वॉलेट का मिल जाता है आपको, पासबुक है। तो ये सब में आपको आना है, यहाँ पर वॉलेट में आना है, देख सकते हैं। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर वॉलेट में आपको आ जाना है, वॉलेट में आ जाना है। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है ऐड मनी में, आपको आ जाना है यहाँ पर, आपको वॉलेट में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड मनी में आ जाना है, ऐड मनी में आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ऐड मनी का आपसे मांगा जाएगा ऐड मनी। तो आप जितना भी यहाँ पर पैसा ऐड करना चाहते हैं इसमें, जो भी जितना भी पैसा का आपको ज़रूरत है, काम है, सर्विस को आप यदि बाय करना चाह रहे हैं या फिर पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या फिर और किसी रिचार्ज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारा सीएससी में आपको जो है सुविधा मिलता है। तो उसको जैसे ही किसी सर्विस को आप यूज करते हैं तो उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं उस अमाउंट को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर है, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे है, दो गेटवे का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, HDFC है और एक्सिस है, तो इसमें किसी में भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको देखिए ऐड मनी टू वॉलेट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से हम HDFC से आए हुए हैं, तो इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। अगर यदि आप एक्सिस का पेमेंट गेटवे से जाते हैं तो आपको कुछ अलग इंटरफेस मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये अभी हम HDFC का जो है पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट जैसे है कि हम यहाँ पर 900 ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम 900 डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पे विथ आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, HDFC बैंक डेबिट कार्ड है, बहुत सारा ऑप्शन है, अदर बैंक। उसके बाद UPI का ऑप्शन मिल जाता है, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो अभी जो है हम आपको एक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल्स जब डालना है, यदि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर जो कार्ड का जो मंथ और ईयर है उसको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद CVV डालना है, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म में डालता है। चलिए सारा डिटेल्स को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, यहाँ कार्ड्स का डिटेल्स हम फिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्फर्म पेमेंट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं आपका जो है ये देखिए जो है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका एक OTP चल जाएगा, जो आपका HDFC बैंक में जो रजिस्टर्ड है उसमें आपको एक OTP मिल जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो मोबाइल में आपका OTP आ जाएगा। यदि तुरंत OTP नहीं आता है थोड़ा सा वेट करना है आपको मिल जाएगा, तो जो भी OTP आता है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है उसको। तो यहाँ पर जो है हमको OTP मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट का ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, सबमिट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो है पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पे पेज पर यहाँ पर है, आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, यदि आपका बैलेंस अगर यदि वहाँ से कटता है तो आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अगर यदि आ जाता है तो फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है बैलेंस जो है आपका ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं ये फिर से लॉगिन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको फिर से वॉलेट में आ जाना है, यहाँ पर वॉलेट में आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर अब आ जाना है आपको समरी में आ जाना है। तो यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा बैलेंस, दिख जाएगा जो आप ऐड किए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बैलेंस यह मेरा ये ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपना सीएससी का जो
आपका आईडी है उसमें इसी प्रकार से आप उसका टॉपअप कर सकते हैं और सीएससी का जो सर्विस है उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।